सो हे गाइस, दिस जीतू एंड यू वाचिंग फाइमेटिक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम जनसेवा केंद्र भी बोलते हैं। यानी कि इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। यानी कि आपने देखा होगा, जनसेवा केंद्र आपने नाम सुना होगा कि इसमें बहुत सारी सर्विसेस होती हैं, तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें सर्विसेज हम क्या क्या प्रोवाइड होती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्या होता है कि रेलवे के जो भी टिकट रिजर्वेशन वगैरह ये होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके जाति, आय, मूल निवास एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स। और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग, जैसे कि बैंक पैसे ट्रांसफर करना, जमा करना, बिल पेमेंट करना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये सारे काम इस जनसेवा केंद्र यानी कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर ही होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए आपका, और एक आपके पास कैंसिल चेक, यानी कि जी हाँ दोस्तों, आपको साइड में दिख रहा होगा कैंसिल चेक इस तरीके का, यानी कि इस पर कैंसिल स्लैश लगा, एक डंडा खींच के कैंसिल लिख दीजिए साइड में, एक सिग्नेचर, तो आपको देख लिया होगा, इस तरीके का कैंसिल चेक भी आपको चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, इसमें ओपन करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, या आपके पास एक PC होना चाहिए, और आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एंड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक शॉप होनी चाहिए, यानी कि एक दुकान जहां पर कि आप इनको रख के अपना सर्विस खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको खोलना बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी इसके रजिस्ट्रेशन अभी तो 2019 के अभी इसके रजिस्ट्रेशन शुरू है और भी कुछ दिनों तक चलने वाले हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो अगर आपने देख लिए, तो अगर आपको शॉप खोलनी है, अपनी सर्विस लेनी है आपको जनसेवा केंद्र वाली, तो आप तुरंत जाइए और जल्दी से वीडियो को पूरी देखने के बाद में और अपना जो रजिस्ट्रेशन करके सर्विस ले लीजिए। देखिए, इसमें सर्विस कैसे मिलती है। देखिए, इसमें आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आएगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको आपको जो सर्विस मिल जाएगी, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें बताया जाएगा और आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को देख लीजिए कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे सर्विस प्राप्त करनी है, ठीक है। एंड सो गाइज, हम आगे अपने फोन की स्क्रीन पर और चलते हैं जल्दी से, आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन आपको बताते हैं। तो चलिए देखो, आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले एक ब्राउजर चाहिए इसके लिए, तो ब्राउजर आपका क्रोम ब्राउजर चल जाएगा, तो क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा CSC, लिख दीजिए आप CSC.org.in, पूरी लिख सकते हैं आप जैसी मर्जी आपको, तो मैं CSC लिखता हूँ, तो देखिए पहले पे वही आ जाएगी, या फिर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपको खुल के सामने आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन CSC.government.in, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ गई है। तो देखिए, इसमें आपको दिखा रहा है सबसे पहले चेक एप्लीकेशन स्टेटस, एंड यहाँ पर आपको दिया हुआ ये सब, एंड कैप्चा वैप्चा फिल करना है। इसके बाद देखिए, ये तो आपको दे रखा है कि आपका स्टेटस वगैरह चेक करने के, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के उसके बाद का प्रोसेस है, लेकिन आपको अभी क्या करना है, अप्लाई, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पर दिख रहा है अप्लाई, तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में ये अप्लाई पर क्लिक किया मैंने, तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको देखें, आपको अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए, जो कि आपका एकदम पर्सनल फ़ोन नंबर जो कि आपके पास रहने वाला है, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर जो ये वाला कैप्चा दे रखा है, वो आप इसमें फिल कर लीजिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ही अपना मोबाइल नंबर एंड कैप्चा फिल कर दिया, आप सबमिट पर यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ स्टेप्स हैं, 5-6, जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए, आपको पहला आपका हो चुका है, तो आपके लिए यहाँ पर एक OTP आएगा, जो कि यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। OTP यहाँ एंटर करना है, ईमेल यहाँ एंटर करनी है, फिर से कैप्चा ये वाला यहाँ भरना है, उसके बाद आपको आगे चलना है, ठीक है। तो मैं भर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलता हूँ आगे। देखिए, OTP मेरे पास आ गया है, OTP मेरे पास आ चुका है, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना OTP, ईमेल ID एंड ये कैप्चा भर दिया, फिर से अगेन सबमिट करते हैं यहाँ पर। तो सबमिट पे क्लिक किया, तो देखिए OTP हैज़ बिन योर ईमेल ID, यानी कि एक ईमेल ID पर भी एक OTP सेंड किया गया है, वो भी आपको यहाँ भरना होगा, फिर से कैप्चा भरना होगा। थोड़ा सा इसमें लेंथी प्रोसेस है, तो उसको आपको करना होगा फिल, तभी आपको यहाँ पर आपका आपको अथॉरिटी दी जाएगी इसकी, यानी कि एक्सेस दिया जाएगा आपको जनसेवा केंद्र खोलने का। तो देखिए, अभी ईमेल पे मेरे पाया नहीं है, आते ही मैं यहाँ डाल दूंगा, तो देखें देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद में फिर से यहाँ पर OTP अगेन फिल करके आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास मेल आ गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए नो रिप्लाई SCS गवर्नमेंट वाला एक मेल आया, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ से OTP अपना मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये OTP मेरे पास आया है, ठीक है, मैं इसको डाल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना ईमेल OTP भी डाल दिया है एंड इसके बाद फिर से हम सबमिट यहाँ पर करते हैं। तो मैंने सबमिट कर दिया, देखिए सबमिट में थोड़ा सा इनवैलिड दिखा रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमसे थोड़ा सा गलत OTP डल गया था एंड फिर से हम सबमिट करते हैं, सही वाला डाल दिया मैंने। तो देखिए वहाँ से हमारा नेक्स्ट खुल के आ गया एंड इसको सेव कर लीजिए, वरना नेवर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको क्या क्या मांगा है, देखिए VID एंड इसके बाद नेम, यानी कि आपको यहाँ से देखिए आपको जो आपका आधार कार्ड होता है, आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये रेड लाइन करके आपको जो दिख रहा है नंबर, इसमें आधार नंबर के नीचे जस्ट, तो वो आपका VID नंबर होता है, वो आपको यहाँ डालना है। एंड अगेन जो आधार कार्ड पर नाम है वो आपको यहाँ फिल करना है एंड अपना जेंडर यहाँ से। और देखिए अगर आपके पास VID नहीं है कि डोंट हैव VID पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद में एंड यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है इसको, आपको यहाँ से इस वेबसाइट पर जाने के बाद में, यानी कि आपको सीधे वहाँ ले जाएगा ये आधार वाली वेबसाइट पर, वहाँ पर आपका आधार नंबर और अपना जो है डलवाएगा उसमें वेरिफिकेशन, उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज आएगा, मैसेज को OTP को वहाँ फिल करने के बाद में आप वहाँ से अपना VID चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको VID मिल ही जाएगा, तो ठीक है VID डालने के बाद अपना नाम डाल लीजिए, मेल यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब मेल फीमेल जो भी आप, एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना जो आधार कार्ड में है पैन कार्ड में वही यहाँ डालनी है, ठीक है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट और आपको ये सब डालना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डालना है रूरल एंड अनवॉर्न, तो इसमें आपको डालना है कि आपका जो एरिया कौन सा है, रूरल है या फिर आपका जैसे कि ग्रामीण एरिया या शहरी है, तो आप यहाँ से रूरल या इसमें अनवॉर्न में जो भी आप कर सकते हैं, ग्रामीण है तो आप रूरल डाल दीजिए, ठीक है, जो भी आप यहाँ से अपना कर लीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ डालना है देखिए यहाँ पर OTP FRM IIR, ये सब आपका यहाँ से आपको डाल दीजिए, OTP डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ OTP यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगेन इस कैप्चे को फिल कर लीजिए यहाँ पर, और फिल करने के बाद इसको टिक कर दीजिएगा यहाँ से, टिक करने के बाद में आपको यहाँ से अगेन सबमिट करना है। तो मैं एक बार इसको सारे को फिल कर लेता हूँ, और जो मैंने आपको आधार कार्ड में अभी दिखाया था एक बार और दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख रहा होगा ये VID वाली जो ID है ये आपको वहाँ फिल करनी है, ठीक है। ये फिल करने के बाद में आपको तो फ्रेंड्स मैंने अपने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक कर दिया मैंने एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अगले वाले प्रोसेस पर लेके जाएगा। कर दिया मैंने एंड क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अगले वाले प्रोसेस पर लेके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी वेट करने के लिए बोला है, थोड़ी देर वेट करते हैं, इसके बाद आपके सामने एक और न्यू पेज खुल के आएगा, उस पर आपको डिटेल फिल करनी होगी। तो देखिए न्यू पेज आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे इस पर टिक करना है, ये सब OTP SMS ईमेल दोनों पर टिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा, OTP यहाँ पर फिल करके गेट यहाँ से आपको आगे करना है, ठीक है। आगे करने के बाद में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन, इसमें देखिए आपको अपना फोटो भरना होगा, यहाँ पर फोटो आपका 20 KB से कम का होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपकी अपना यहाँ पर शॉप का नेम, हिस्ट्री, पूरा एड्रेस शॉप का यहाँ फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ आपको पैन की डिटेल भरवाएगा, इंडिविजुअल करने के बाद आप पैन करके वेरीफाई करेंगे यहाँ से, तो वेरीफाई करने के बाद पैन नंबर डालेंगे, वेरीफाई करने के बाद वेट करने के लिए लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर मैंने कर दिया। तो एंड इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये देखिए वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक डिटेल भरनी होंगी, बैंकिंग डिटेल जो कि आपको नीचे देखनी है। तो यहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट, सेविंग सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद अपना अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद IFSC जैसे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल फिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको कैंसिल चेक भरना होगा, जो आपको दिख रहा होगा कैंसिल चेक, इसको देखिए कैंसिल चेक, मैंने आपको फोटो दिखा रहा हूँ कैसा होता है कैंसिल चेक, तो इस तरीके का आपको कैंसिल चेक चाहिए आपके बैंक का, जो कि आपको यहाँ पर डालूंगा। कैंसिल चेक डालने के बाद में आपको यहाँ क्लिक करना है डिक्लेरेशन पर एंड यहाँ से सबमिट कर देना है। तो सबमिट करते ही दोस्तों आपके सामने ये आपका देखिए एप्लीकेशन एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा आपको, ये रेफरेंस आपको रख संभाल के रखना है, जैसे ही आपका आपको जो है CSC की सर्विस आपको मिलती है तो ये आपको रेफरेंस नंबर काम आने वाला है आगे के लिए। तो इसको प्रिंट करके यहाँ पर आपको प्रिंट आउटपुट दिख रहा है ऊपर कोने में, तो इसको प्रिंट करके रख लीजिए संभाल के। आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी कैसे आपको CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जनसेवा केंद्र आपको कैसे आपको लेना है, कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों जो कि ये काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है यार बनाने में। तो प्लीज यार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।